बिहार की मुसलमान औरतें छठ करती है, आप लोगों को पता है ना? बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है पूरे इंडिया भर में, पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली देने के लिए, कि बिहार की मुसलमान औरतें छठ व्रत करती है और वही सब रीति रिवाज सबको नियम पालन करते हुए वो छठ करती है। तो मुझे बहुत मैं शॉक्ड हुई पहले तो, फिर मैं मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा ये रहा कि एक औरत के लिए जो बांझपन का शब्द है, बांझ कि आप माँ नहीं बन सकती, इससे बड़ा दर्द एक औरत के लिए नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि वो जैसे, क्योंकि वो अपने अपने एक जो है ना पूरे उर्वर जो होती है, उर्वरा है वो अपने आप में, और मातृत्व बोध के लिए, प्राप्ति के लिए वो कुछ भी कर सकती है। एक ऐसा इसको मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस कर सकती हूँ, मुझे भी पर्सनली, मेरे दो बेटे हैं अभी आए हैं, लेकिन छठ मैया का व्रत का असर है जहाँ तक मेरी जो स्टोरी है। यहाँ मैं बहुत पर्सनली खुल के बात करना चाहती हूँ क्योंकि सब एक घर आंगन जैसी बात है। तो माता जो है छठ है, छठ मैया कैसे मेरे लिए कोई जमालपुर की मुंगेर में व्रत रखती है, एक माता जो मेरे कोई नहीं है। मेरा परिचय वो गणेश के पापा है, उनके साथ भैरव जी की दीदिया है, मेरी संगीत सुनी है और मुझे बेटी मानती है, इतना ही संबंध है। और अब आप मेरे मुझे उनको पता है कि मुझे बच्चा होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बायोलॉजिकल दिक्कत है, तो उन्होंने व्रत रखा। तो बिहार के साथ जो संबंध है मेरा वो किस हद तक है, शायद ये जो बात है इस मातृत्व बोध वाली जो बात है उससे समझ में आ गया हो कि बिहार कहाँ है। Thank you so much.